राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फबारी हटाने का काम प्रशासन की तरफ से बड़ी तेजी से किया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कश्मीर साइड यानी शोपियन साइड और जो पुंछ साइड है यानी वहाँ पर भी बर्फबारी को तेज़ी से हटाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुंछ प्रशासन का जो मैकेनिकल विंग है यानी पीडब्ल्यूडी विभाग का, उसकी तरफ से तमाम मशीनरी के ज़रिए ये बर्फबारी का काम तेज़ी से किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मुगल रोड पर बर्फबारी हटाकर इस रोड को थ्रू किया जा सकता है। वहीं अगर आपको बता दें कि 26 जनवरी को ये रोड जो है वो बंद हुई थी, लगभग डेढ़ महीने के बाद आज एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस मुगल रोड को तुरंत खोल कर लोगों की आवाजाही के लिए यानी जो ट्रैफिक है उसे बहाल किया जाए। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आगामी जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, उससे पहले ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मुगल रोड को खोल दिया जाए। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बर्फ़ को लगातार हटाया जा रहा है। अगर बात करें मुगल रोड की, तो मुगल रोड से काफ़ी लोगों को जो है वो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अक्सर राजौरी पुंछ के लोग अपने हेल्थ चेकअप के लिए कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होते हैं। बहरहाल आधिकारिक तौर पर ये जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एक ट्वीट के ज़रिए भी ये वीडियो साझा किए थे कि मुगल रोड पर बर्फबारी को हटाया जा रहा है। अब ये देखना है कि वहाँ पर कितनी जल्दी इस रोड को थ्रू किया जा सकता है। इसके साथ लोगों का ये भी कहना है कि अगर मुगल रोड पर से ये बर्फबारी हटा दी जाती है तो हमें काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं मैकेनिकल विंग जो है वो वहाँ पर उनके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द इस रोड को क्लियर किया जा सके। अगर पिछले दौर की बात करें तो ख़राब मौसम के चलते रेगुलर बर्फबारी का सिलसिला जो है उस इलाके में जारी था, और अब देखना ये है कि मुगल शायरा जो राजौरी पुंछ को सीधा कश्मीर घाटी के साथ जोड़ती है, उस पर बर्फबारी को हटाने का काम तेज़ी से चलाया जा रहा है। इसके बाद जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगा हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि यदि आपको मुगल रोड की तरफ जाना है या वहाँ पर ट्रैवल करना है, तो आप इसकी जांच पड़ताल यानी एक बार इस रूट के बारे में ज़रूर जानकारी लेकर निकलें, क्योंकि प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रूट को बहाल किया जाए, ताकि इस बर्फबारी को हटाने के बाद लोगों को आवाजाही के लिए किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, मेंडर न्यूज़ डायरी।